नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। तो आंध्र प्रदेश, मैं फिर पुरजोर कहना चाहूंगा, एक ऐसा प्रदेश विकसित हो रहा है जहां पर मुर्रा पशुधन के प्रति काफ़ी अच्छा जुनून वहां के किसानों में, पशुपालकों में, और अच्छे जो ब्रीडर हैं, राजीव सर हैं वेरावली से, और उन्होंने 25 लाख रुपए की जो लक्ष्मी भैंस आज से तकरीबन 7 साल पहले जो खरीदी थी, वो इस चीज़ को सत्यापित कर दिया था कि आंध्रा में मुर्रा पशुधन के प्रति काफ़ी अच्छा जुनून देखने को मिल रहा है। तो उन्हीं के फार्म पर देख सकते हैं डॉक्टर वेंकटेश्वरलू सर हैं, और यहाँ से तकरीबन इस लॉट में 27 कितनी भैंसें, 27 भैंसें लेकर के जा रहे हैं। तो एक रेफरेंस के लिए कि ये जो भैंसें इन्होंने सेलेक्ट की हैं, इनका क्या कुछ एक समय का दूध उत्पादन क्षमता है, वो एक बार मिल्किंग वीडियो यहाँ से कवर करते हुए सहयोगी जो हैं, पूरा जो बैच में खरीद, देखो हम झूठ नहीं बोलते, पूरा बैच खरीदने में जो सहायता जिन्होंने की है वो रामू सर हैं गांव गद्दीखेड़ी से। आप जानकारी दें, आप बताएं अभी जो आपके सामने आ जाएगा भाई साहब। ठीक है वो मारा में लोकल में बुजुर्ग का आग रहा ना ही, तो ही बोला तेरे बाप बोला मेरी डाडी के बाल को डोड़ बोला ये 2 मिनट में जजमान तरह सहमी आ जाएंगे, काट के डाल तो ये बच्चे लगा देंगे आपका जो है सहमी आ जाएगा। ये देखें तकरीबन क्यों एक बार कोई कल आई है भैंस, कोई परसु आई है, दूसरी जगह आई है खा नहीं रही, चल आ रही है, कोई घाट खा रही है, कोई पाट खा रही है, कोई भैंस मान जा तो थोड़ा घना घाट बाद भी काट दे, तोल का तो डाल नहीं रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखें आप थर्ड जो भैंस है, जिन तीन भैंसों की इस फ्रेम में मिलकर इसकी नहीं करोगे, लगाओ ना बच्चा, काफ को छोड़ दे, थोड़ा दूध जरूर पिला देना, कभी मिल्किंग के चक्कर में बच्चे को भूखा रख दे, थोड़ा थोड़ा रख दे, या फिर अंत में छोड़ देना कुछ। इस खर के जो अट्टी का ये देखें फर्स्ट टाइमर, काफी अच्छा टांगों के बीच में जो स्पेस है, फर्स्ट टाइमर। देखो डॉक्टर साहब पोसाई भैंस देखियो एक बार, ये देखें, देखो डॉक्टर साहब ये देखें, बोल बोल नून बोल, बहुत बढ़िया, आराम से परेशान ना करें, आराम से बोल बोल। हाँ मैं एक बार ऑर्डर क्वालिटी जरूर देखने की, सुंदर भैंस नहीं लेता मैं, क्वालिटी भी ऑर्डर भी दूध भी अच्छा होना चाहिए। राम राम को ने दुनिया में वो दुनिया रोंदी के में कहे जाओ, पर मैच लेंगे तो कति बीज लेंगे, ऐसे नहीं रुको मैं बताऊंगा आपको। ये देखें खाली बाल्टी उल्टी करके दिखाएं, उल्टी करके, हाँ उल्टी करके, ठीक है, ये देखें खाली बाल्टी उल्टी करके दिखा दे, एक सेकंड रुके, ये देखें दूध निकालने से पहले जो थनों की जो टिट्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, ये देखें उल्टी करके दिखा दिया, ठीक है। और पिछली बार लीटर का माप था, मैं फिर कहना चाहूँगा अच्छी तरह से हेटा फेटी बाल्टियों में करवाया गया था, लेकिन फिर भी इस बार कांटे की व्यवस्था की गई है, दिखा दें एक बार वेइंग मशीन, ठीक है। मैं फिर कहना चाहूँगा रेफरेंस वीडियो है एक, आप अनुमान जरूर लगाएं, लेकिन जब कभी भी पशुधन खरीदें अपनी 2-3 समय की सत्यापित मिल्किंग अपनी आँखों के सामने जरूर देखें, भैंस बच्चे को चाट रही है, ले रही है या नहीं, पाउस में कोई कमी नहीं है, इस तरह की जो वेरिफिकेशन है फील्ड में आप खुद कर ले, इस भैंस का आप एक व्यवहार जरूर देखें, कौन नीचे बैठा है, कौन दूध निकाल रहा है, लेकिन ये जुगाली कर रही है, तो इस तरह का स्वभाव एक अच्छे दूध उत्पादन करने वाली भैंस का एक स्वभाव देखने को मिलता है कि स्ट्रेस नहीं मान रही। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऊपर भैंस नहीं लेते जीतू भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो है, थर्ड और हरियाणा बच्चा 10 ब्यारी हो सुनने को होंगे, तीसरा ब्याई है हमारी, और पहले ब्याण तो पहले लोग होंगे 25 किलो दूध है, फिर लोग होना बा के रहा, फिर लोग होंगे भाई साहब कीड़े वाली गोली दे दी उस तो घट गई, साइड हो जाए बाल्टी दिखने दे, आगे आ जाए मेरे पास आ जाए, जो जानकारी देनी है वो दे दे, ओ हो बस रख दिया, ओहो चलो कोई नहीं, हाँ यहाँ से जानकारी देते रहे, हाँ जीतू भाई, हाँ आपकी आवाज सही रिकॉर्ड होगी, बताएं। मैं यू कहूँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो ऊपर की भैंस नहीं लेते, नहीं लेते आप ना, ठीक है हमारा नहीं चलती, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड में खुश हूँ मैं, उस एज वाली भैंस मैं नहीं लेता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एज्ड जो भैंसे हैं जो उम्र, भैंस की भैंस का तत्ती भी 3 बार है, वो है 3 ऊंचाल जाओ चाहे मैच 10 ब्यात पर 3 बार था ये मैच, जो 4 बार थी जो करना हो कर देगी, और ऊं तो मैच भाई 20 बबी ब्याज है जीतू भाई, बहुत बढ़िया 18 बबी ब्याज है भैंस, बहुत बढ़िया। तो जब राजीव सरपंच वेरावली के पास आप जब जाते हैं तो तकरीबन कितने दिन रुक के आते हैं,
भाई साहब वो आए एक सेकंड ये देखिए नंबर दो पर जो बाल्टी है खाली बाल्टी दिखा दी उल्टी करके, ठीक है निकालें। हाँ बताएं भाई साहब, साल में तीन बार जाना हुआ है ABC सीमेंट बैंक पर। बहुत बढ़िया, राजू सर के पास बड़े भाई हैं, वो बार बार बुलाते रहे, वो तो यही रहने से मैं कुकर काम चल रहा है। अच्छा, राजू सर तो उसका तो दिन में सुबह है ना, झूठ नहीं बोलू मैं थोड़ा उठने सोचा रू सारे दिन फील्ड में घूमू 7 बजे। अच्छा अच्छा, 6:30 बजे राजू उठा दे रोज फोन कर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या कर रहा है, उठा नहीं अभी तक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो मेरा बड़ा भाई है। अच्छा अच्छा, तो मैं और भगवान ने सुखचा है ना, अब की बार आंध्रा में मिलक कंपटीशन लगेगा दूध का, धूम ठा के दिखावांगे दूध में। मैं अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर कोरोना की वजह से जनवरी में शो लग गया ना, दूध देखा उड़ मिलक कंपटीशन उड़ दिखावांगे, आठ तो सब कह दे इतना है, अरे उड़ा जाके निकाल लेना वो है बात। तो बहुत बढ़िया, तो एक और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ABC सीमेंट बैंक, हाँ जी, एक से एक बढ़कर के अच्छे पेडिग्री के बुल वहां पर तैयार किए हैं, तो उनका सीमन भी अवेलेबल हो चुका है उनका, हरियाणा में सीमन अवेलेबल है भाई। बताएं किन किन के पास अवेलेबल है। अशोक डॉक्टर के पास है सिंगवा में, ठीक है अवेलेबल। हाँ हाँ, कोई भी भाई चाहो है, और किस सिर्फ ये जो 400 का और 500 का बेचे हैं नवा, देखो सरस्वती का बच्चा भी परचेज कर लिया है, किसी उसका नाम ना ले, उसका नहीं परचेज कर लिया है, ठीक है, लेकिन अभी सीमन उसका आया नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम रेट में किसान को सीमन देना चाह रहे हैं, किसान जागरूक। प्राइस रेंज बताएं। लास्ट 200 रुपए तक देते हैं। और स्टार्ट कितने से होता है? स्टार्ट भाई साहब 100 रुपए से 80 रुपए से। तो जो 5-स्टार जो बुल हैं, हाँ, भीम बुल है, हाँ, और कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब? अभिमन्यु, द्रोणा जो है 200 रुपए, ठीक है, और जो उससे जो कम साइड में है, अरे साइड तो है ना, यहाँ वाले जो है ना उन तो सुपर हुए भी है, रिकॉर्ड तो देखो, भैंस तो देखो, जिसने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भैंसा को इसके ऊपर जागरूकरण के ऊपर, और 4-4 पीढ़ी का रिजल्ट ले लिया, जब जाके फील्ड में सीमन उतारा है। बहुत बढ़िया, बहुत ये नहीं, अगर एक जोटा लिया चल भाई बांध का ड्राम ठाकर चल पड़ा, एक जोटा बांध लिया। तो मैं आपसे अंत में एक और जानकारी लेना चाहूंगा, किन किन के पास सीमन अवेलेबल है? सिंगवा में अशोक डॉक्टर के पास है, अशोक है डॉक्टर अशोक है, नंबर सिंगवा खास से, ठीक है, नंबर बोल दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सीमन अवेलेबल है, अवेलेबल है। अच्छा, आपके पास है? हमारे पास, हाँ। अच्छा, रामू सर हैं गांव गद्दी खेड़ी से, और किन के पास है? बस हरियाणा में हमारे ही पास, दो ही पास है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या AI करने वाला या किसान, हाँ, कोई भी ले सकता है, 24 घंटे सीमन उपलब्ध है, 24 घंटे सीमन अवेलेबल है, जितना मर्जी चाहिए। ये देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये देखें बाल्टी भर करके दूध उत्पादन क्षमता इस भैंस की, और देखें पूरी मिल्किंग के दौरान जुगाली, थोड़ा वो उसका है। जुगाली करते हुए, नहीं ऐसे मत करें, बच्चा तो उन्हीं का सामने रखें, वो थोड़ा थनका दांत मार दिया बच्चा ने डॉक्टर। अच्छा, वो मैश कर, बाल्टी दूसरी लेनी पड़ेगी, उल्टी करके दिखा दें, उल्टी करके दिखा डॉक्टर, बिल्कुल उल्टी करके, जिस तरह से आप भैंसे खरीदते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बाल्टा बड्डा लिया उन्हें खाली जीरो करण खातर, नहीं वो तो बड़, वो है भाई साहब, यो बाल्टा ले लो एक मिनट, किसका है यो, अड़ बीच में खड़ा रहा, बीच में पाछ ले लिए दूध तोल दिया ना, ये मैं ऐसे एक दूसरी को मार देगी, उसकी दार बार जारी है, इसने झाड़ ले उसको देवांगे, तन्ने भी देवांगे। अरे देख भाई साहब, मैं तो उम्मीद भी ना थी भैंस आज भी नू दूध काट देंगी। अच्छा, मैं तो वहां खा नहीं रही पी नहीं रही, कल सुबह किस टाइम मिल्किंग की गई? सुबह वो ही 5:00 क्यों, अड़ दूध छेल देखो वो सामने देखो, उल्टी रही है, घुमाएंगे घुमाएंगे दूध लेना हो है ना भाई साहब, हम तो अड़ दोनों टाइम हमने क्या सेल करनी है यहाँ से, हमने तो सुबह शाम दूध निकाला बेचा, गाड़ी भरनी है, हमने क्या किसी को दूध दिखाना है। बहुत बढ़िया, बड़ी बाल्टी उन्होंने ले ली है, जीरो करनी थी, कोई बात नहीं, वो बाल्टी ला खाली वो उड़ गई है बाल्टी, चिल्लाओ मत, ये पैसे बस ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा साहब,
बहुत बढ़िया। ये देखें एक समय का दूध उत्पादन क्षमता, ठीक है, छोड़ दें, बस पीने दें उसको, अभी यहीं रहने दो, मैं अपने आप ले चलूंगा इनको। तो मिल्किंग जब कभी भी दिखाई जाती है, कोई भी कट या कोई भी पोज या दो हिस्सों को कभी भी वीडियो में नहीं जोड़ा जाता, रो वीडियो जो होती है बिना किसी एडिटिंग के वो आपको जरूर दिखा दी जाएगी। ये फर्स्ट वाली के बच्चा लगवाना है बच्चा, इसके आपकी इच्छा है, लगवा लो, दो सेकंड रुको तो फिर उसकी एक अलग वीडियो कवर कर देंगे। नीचे जा रहा है आपका दूध। इससे बाल्टी के दौर पर उल्टा उल्टा करके दिखाएं, खाली बाल्टी बिल्कुल उल्टा, ये देखो जी, देखो बिल्कुल उल्टा, हाँ बस बहुत बढ़िया, बदल दे बाल्टी, बदल यार, ये बाल्टी बड़े बाल्टी लेने थे मैं, इतने दूध की मैं खड़े हैं। ये देखें, ये जो दो बाल्टी में इस भैंस की दूध उत्पादन क्षमता है, इस दो में इस भैंस का दूध शाम का निकाला गया है। हाँ जी बताएं, कल आई है मैं से। हाँ जी साहब, ना कल शाम ना रात सुबह चोई रही, तीसरा टाइम चुवाई होने लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं अभी उनसे जानकारी लूंगा, वो अभी फोन पे बात कर रहे हैं। दो टाइम दूध देखा ना, कल शाम ने देखा, आज सुबह देखा, अब थर्ड टाइम हो गया दूध देखते हुए। बस आप साइड हो जाएं, अब बार बार आगे पीछे ना आए। हाँ बस बच्चा बांध दे, बच्चा बांध दे, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी बाल्टी मंगवा लें जिसमें खाली करेंगे आप बाल्टी। ठीक है आप एक बार पीछे हो जाएं, काटे रुक जाओ, आप पीछे हो जाएं एक बार, पीछे हो जाएं, काटे को आगे ले आएं थोड़ा सा, उधर रखा डॉक्टर साहब, उधर उड़ान हो जाओ, हाँ थोड़ा सा आगे ले आएं, राम बाबू थोड़ा पीछे हो जाएं। वेइंग मशीन की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है ताकि लीटरों में दूध न दिखा करके आपको कांटे पर दिखा दिया जाए, और समय की भी बचत इसमें होती है क्योंकि लीटर नापने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, हो गया, दूध में वजन नहीं होता। अच्छा अच्छा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे जानकारी दो ना। हाँ हाँ, बिनोड़े खाओ भैंस। अच्छा, दूध तो भैंस बनाओ है 14-15 दिन की ब्याई, ठीक है, और मतलब दूध में वजन बढ़े है बिनोड़े खाओगी भैंस, एक भी नहीं ब्याई भैंस। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है, ये देखें, और चोले ना पूरी, बस ठीक है ठीक है, परेशान ना करें, कुछ बच्चे के लिए छोड़ दें, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिखेरे ना, ले आए ले आए, तैयार कर लें, सारी बाल्टियों को पास कर लें, आग हाँ उस उन दोनों बाल्टियों को पास रखें, एक सेकंड रुको, आप मत उठाओ, हाँ उठाओ, हाँ कांटे के पास रखें, ना ना हाँ कोई बात नहीं, साथ साथ रखें, साथ साथ मेरी तरफ करें, मेरी तरफ, मेरी लाइन में, इस दूसरी वाली बाल्टी को मेरी लाइन में, हाँ बस, ये पहली भैंस का दूध, दूसरी का इसी के पीछे रखें, ऐसे ही
इसी के पीछे 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 भैंस की तरफ, दोनों बाल्टियों भैंस की तरफ, हाँ उसी के पीछे लाइन में, हाँ ठीक है। और ये तीन, ये देखिए, ये अब तीनों, ये एक भैंस की दूध उत्पादन क्षमता है इन दो बाल्टियों में, एक की और इन दो बाल्टियों में, इस ये जो साथ वाली है, ठीक है। काटा काटे का मुंह मेरी तरफ कर दे, काटा का मुंह करो भाई, बस बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करें, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट जीरो कर लो, रख दो, कांटा काट लो, जीरो करें, हाँ ये देखें जीरो कर लिया गया है, ये देखें स्क्रीन पर, ठीक है, फर्स्ट वाली, ये वाली जो है डालें, हाँ हाँ डालें, दोनों बाल्टियों का दूध डाल दें, बहुत बढ़िया, ये देखें तकरीबन तकरीबन तकरीबन, अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ओए बताया था मैंने 20-22 किलो दूध है मगा, ये देखें आप तकरीबन 9 किलो 930 ग्राम दूध, बहुत बढ़िया भाई, 70 प्रोफेशनल, तकरीबन 10 किलो मान लिया आपकी बात, बहुत बढ़िया, शाबाश, 10 तो पूरा ही है, तकरीबन नहीं, थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है, ये देखें 9 किलो 990 980, ठीक है, ये 10 किलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट बाल्टी का, ले जाएं नंबर दो, हाँ ये ले लें, हाँ जीरो कर दें, हाँ बहुत बढ़िया, ये देखें जीरो कर लिया गया है, ये देखें एक समय का दूध तकरीबन 7.5 किलो, ठीक है, 7 किलो 590 ग्राम, 540, ठीक है, और अंत में तीसरे नंबर पर वो जो भैंस है वहां पर, ठीक है, ले लो दोनों बाल्टी उठाओ, एक साथ उठाओ दोनों बाल्टी, एक सेकंड रुको, काटा जीरो दिखाएंगे, उठा लो इसको भी उठा लो, एक सेकंड, हाँ साहब आप इसको उठाओ, हाँ उठाओ, ये देखें दोनों बाल्टी, ठीक है, ये देखें ये भी डाल दें, नौ किलो 540 ग्राम, 30 ग्राम, 40, 30-40 के बीच में, 40 तो ये तो तकरीबन मोटे मोटे दिया तो तू 60 ले, ये लो 9 किलो 500, ठीक है ठीक है, 540, ठीक है, थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, एक किलो का बाट है आपका, है आपके पास एक किलो का बाट है, ना नहीं है, है आधा किलो, बाट 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 डालो भाई, चलो ठीक है, 9 किलो 510 ग्राम, ये देखें आप तकरीबन एक समय का जो दूध इसका देखा 10 लीटर के आसपास, ये तकरीबन 7.5 के आसपास, और ये जो दूध उत्पादन ये भैंस जीतू भाई कल की आई है, कल की चिल्लाओ है भैंस, जो खाया नहीं इस भैंस ने कुछ, चलो कोई कल की रिंग है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइमर जो है उसका एक और पार्ट में कवर करवा दें, इसका लिया है, इसको बच्चा लगवाएं, हाँ लगवाएं, दोनों ही फर्स्ट टाइमर हैं, ठीक है दोनों का लगवा दें, खाली हो ये जीतू भाई, लगवाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं।